हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकुश शर्मा एंड यूर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वैगनार VXI CNG वेरिएंट है ये। और फ्रंट से अगर स्टार्ट करें तो हेडलाइट इसकी हेलोजन मिलती है, इंडिकेटर भी हेलोजन है। फ्रंट फॉग लैम्प नहीं आता है इसमें। नीचे की ब्लैक आउट ग्रिल है और ये इसका कुछ बोनट और क्रोम ग्रिल है। बीच में क्रोम का ट्रीटमेंट है, साइड में ब्लैक है। मतलब डिसेंट लगती है, इस पर कुछ भी ओवर कराने की ज़रूरत नहीं है। साइड में आ जाते हैं तो आपको ये इसका फेंडर है। टायर साइज़ मिलता है आपको 165/70 R14। और ये मैं टायर साइज़ भी दिखा देता हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाती है 165 mm की, जो थोड़ी कम लगी मेरे को। और फेंडर पे इंडिकेटर है, वैसे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है। ऊपर एंटीना है। ये साइड से कार की लुक। और जो डोर हैंडल्स है वो इसके बॉडी कलर के पेंटेड हैं। ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर तीनों बॉडी कलर के हैं। मतलब सी पिलर पे थोड़ा सा ये ब्लैक का ट्रीटमेंट है। ये रियर टायर, ये इसकी राइट साइड की लुक। और ये इसकी रियर लुक दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें काफ़ी अच्छी टेल लैंप्स मिलती हैं, काफ़ी स्टाइलिश है। LED नहीं है ये, हेलोजन बेस्ड है सारी। और एक हाई माउंटेड लैम्प भी मिलता है ऊपर, ब्रेक लैम्प। दो पार्किंग सेंसर्स और नीचे रिफ्लेक्टर मिलते हैं बम्पर पे। और ये क्रोम का वैगनार की बैजिंग। और अगर बूट की बात करूँ, बूट काफ़ी स्पेशियस है। और जो स्टेपनी मिलती है वो इसकी जो मतलब नॉर्मल टायर लगे हुए हैं उसी साइज़ की है। और पार्सल ट्रे भी आपको मिलती है। बाकी एक्सटीरियर तो मैंने लगभग आपको पूरा दिखा दिया है। एक्सटीरियर इतना ही है कार का। दो पार्किंग सेंसर आते हैं, चार पार्किंग सेंसर वैसे मिल सकते हैं। चलिए इंटीरियर में चलते हैं। तो इंटीरियर में सबसे पहले आप नोटिस करेंगे ये डोर हैंडल्स इसके क्रोम के दिए हुए हैं। और ये इसके पावर विंडो के बटन है। इसमें ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, ऑटो अप के साथ नहीं है। यहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए, और ये पावर विंडो बच्चे पीछे यूज़ ना करें उसके लिए। और ये इंटरनल एडजस्टेबल जो आपके ORVM से इनके कंट्रोल है। अब मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। ये मारुति की कई सालों से चलने वाली की आ रही है, वही है। इसमें लॉक और अनलॉक दो बटन दिए गए हैं बस। अब इसको आपको इसका क्लस्टर दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका क्लस्टर है। और मतलब एक आप डिसेंट सा क्लस्टर बोल सकते हैं। लुक वाइज तो इतना खास नहीं लगता, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी दिखा देता है। और CNG का भी मीटर दिया गया है, पेट्रोल का भी मीटर दिया गया है। और इस नॉब से आप मतलब ट्रिप 1, ट्रिप 2 और इंस्टेंटेनियस एवरेज रेंज वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। और भी जो सेटिंग करनी है वो आप इसके थ्रू ही करनी है। अगर आपको कोई जैसे सिक्योरिटी अलार्म कैसे सेट करना है वैगनार का, वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और म्यूजिक सिस्टम कैसे इसका कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से, क्योंकि काफ़ी दिक्कत आती है कनेक्ट करने में। स्टीयरिंग इसका ऐसा दिया हुआ है, और रुको मैं थोड़ा सा पीछे होकर दिखाता हूँ। ये देखिए सिल्वर एक्सेंट है इसके स्टीयरिंग व्हील पे, और क्रोम का लोगो। काफ़ी अच्छा लगता है स्टीयरिंग। यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड का AC वेंट, और ये बीच में दो AC वेंट दिए गए। ये बिल्कुल सही बात कही है संस्कारी सुमित भाई ने। ये जो AC वेंट है बिल्कुल हाथ पे हवा देता है, कुछ मतलब इसका काम नहीं है कैबिन को ठंडा करने में। इधर ये AC वेंट और ये AC वेंट, और ये बीच में इसका 2 DIN का म्यूजिक सिस्टम है जिसमें आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। ये देखिए ब्लूटूथ ऑक्स और ब्लूटूथ ऑक्स, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सारी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। और ये नीचे इसके AC के कंट्रोल्स हैं, ये देखिए। और मैनुअल इसमें AC मिलता है। ये हजार्ड स्विच है, आप इससे हजार्ड जला सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सामान रखने की जगह है, आप सामान टिकट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी मिल रहा है। और ये इसका कंसोल है नीचे का, यहाँ पे भी सामान रखने की जगह मिल रही है। यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह रखे हैं बाइक गाड़ी को साफ़ करने के लिए। देखिए माइक्रोफाइबर टाइप का क्लॉथ है, इससे गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आते, स्विल मार्क्स नहीं आते। और ये इसका ORVM इनसाइड वाला, और ये भी डे नाइट एडजस्टेबल फीचर के साथ आपको मिलता है। मतलब अगर देखा जाए ना तो वैगनार VXI CNG, मतलब CNG छोड़िए एक बार को, VXI में भी काफ़ी डिसेंट फीचर आते हैं। अब अगर इसके को ड्राइवर डोर की बात करूँ तो हैंडल तो इसमें भी सेम है। और ये पावर विंडो के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सामान रख सकते हैं। और यहाँ पे फ्रंट राइट साइड की तरह बोतल होल्डर है। इसमें ना 1 लीटर की बोतल आना तो थोड़ा मुश्किल है, पर 1/2 लीटर की बोतल बिल्कुल आराम से आ जाएगी, वैसे 1 लीटर की भी आ जाएगी। और यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स है, ग्लव बॉक्स भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब डिसेंट स्पेस के साथ आता है।
कूल्ड नहीं है ग्लव बॉक्स, क्योंकि इस वेरिएंट के इस मतलब बजट की गाड़ी में आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और बाकी अगर ऊपर की साइड देखें तो को ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है सनशेड पे, और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर वगैरह मिलता है। तो फ्रंट लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये लाइट आपको हेलोजन ही मिलती है, जैसे इसके सारे बल्ब हैं हेलोजन। वहाँ पे सीएनजी का आपको स्टिकर भी मिलता है। तो चलो एक बार पीछे और दिखा देता हूँ आपको, फिर वीडियो एंड करेंगे। आप बताना गाड़ी आपको कैसी लगी। सीट्स रह गई थी, तो सीट्स इसकी कुछ आपको ऐसी फैब्रिक सीट्स मिलती हैं ड्यूअल टोन में। रियर डोर हैंडल में भी आपको ये क्रोम का ही मिलता है, और ये पावर विंडो का स्विच। यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह दी गई है, पर स्पीकर नहीं है, स्पीकर सिर्फ इसमें फ्रंट डोर्स में आते हैं। और मतलब उनके म्यूजिक सिस्टम की ठीक आवाज़ है। अगर आपको म्यूजिक सिस्टम इसका सुनना है पंजाबी गानों में, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। और स्पेस देगी, मतलब ये गाड़ी स्पेस के लिए जानी जाती है। आप देखिए, अगर कोई लंबी हाइट का भी, ज़्यादा 6'5" 6'6" का भी बंदा है, वो बिल्कुल आराम से बैठ सकता है, कोई उसको इशू नहीं आने वाला है हाइट का या कंफर्ट का उस केस में, क्योंकि टॉल बॉय डिज़ाइन है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, हेड रूम काफ़ी अच्छा मिलता है। और ये इसका फ्रंट का कंसोल, रियर सीट से ऐसा लगता है, देखिए काफ़ी अच्छा कंसोल बनाया है वैगनार ने, ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में, मतलब बेज कलर है ये। और ये इसकी रियर सीट्स, मतलब अगर बैठना चाहे तो इसमें तीन बंदे बिल्कुल आराम से बैठ सकते हैं। बीच में ना थोड़ा सा हम्प दिया हुआ है, तो उससे जो बीच में बंदा बैठेगा उसको इशू आएगा, बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है बैठने में। और इसकी विंडोज़ ना काफ़ी एयरी फील होती हैं, अच्छी बड़ी बड़ी आपको इसमें विंडोज़ मिल जाती हैं। और पूरा ना गाड़ी का व्यू, पीछे बैठे हैं चाहे आप आगे बैठे, अच्छा आता है, क्योंकि इसमें ग्लासेस का काफ़ी यूज़ किया गया है। और मतलब ठीक है उस सेगमेंट में, जैसे प्लास्टिक वगैरह क्वालिटी अगर देखें, हालांकि काफ़ी कमज़ोर फील होता है, बट हाँ चलो मारुति के साथ बिल्ड क्वालिटी में तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो ये प्लास्टिक की क्वालिटी कौन सी बड़ी बात है। पीछे भी सीट बेल्ट्स मिलते हैं आपको, ये पार्सल ट्रे है, बूट स्पेस मैं आपको दिखाई चुका हूँ इसकी। और तो पीछे का कुछ नहीं रहा है, ये हैंड ब्रेक पीछे से मतलब है तो आ गई है, मैं पीछे से दिखा रहा हूँ। और वो इसका फ्रंट कंसोल, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वैगनार VXI CNG कैसी लगी। और अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो आपको गाड़ी ना मैक्सिमम 10 दिन की बुकिंग में मिल जाएगी, 10-12 दिन में। अब जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तो अब का तो कुछ कह नहीं सकता मैं, हमने ये श्राद्धों से पहले ली थी, लास्ट 9 तारीख को, मतलब अगले दिन श्राद्ध स्टार्ट होने थे, तो उस टाइम पे गाड़ी ले ली थी, और काफ़ी अच्छी, मतलब हमने तो CSD से ली है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें, तो अगर लगभग लोग 7,70,000 से 90,000 के बीच में, वेरी करता आपके स्टेट पे और आपके एरिया के ऊपर, आपको ऑन रोड मिल जाएगी, और काफ़ी अच्छी डील रहेगी, आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और अगर आपको, आप दिल्ली में रहते हैं और आपको और डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरे को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मैं कोशिश करूंगा कि आपको, जहाँ से मैंने लिया है तो मेरा जानकार है, वो मेरा खास दोस्त है बिल्कुल, तो वो आपको भी बहुत अच्छी डील दिला देगा। आप पहले अपने शोरूम में कंपेयर करें आपके नियर बाय में, अगर आप दिल्ली के ही हैं तो ही कॉन्टैक्ट करना प्लीज़ मुझे, बाहर के या NCR के हो तो भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट किसी ना किसी चीज़ में वो ज़रूर करा देगा, और जल्दी से जल्दी गाड़ी दिलाने की कोशिश करेगा। तो भाई ये थी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।